am working as a director in one private institution, and the name of the institution is the Indraprastha Engineering College, Saibabad, Ghaziabad. So, ये चीज़ मैंने सीख के अपने business में I ventured and I multiplied my industry 2.5 times. Then I was started my own company, Genesis Technobit Private Limited, और वो लगभग 20 years हो गए उसको. अगर technical experts की बात की जाए तो सुरजीत सिंह एक अपने आप में एक वो ओरा है जो सिविल इंजीनियरिंग की फाउंडेशन से लेके और बिल्डिंग की स्ट्रक्चर तक जानते हैं। So hi everyone. So today we meet with our alumni of NIT Jalandhar. So let's talk with them. We were the students of the 98 batch, and today on 16th of December came at NIT Jalandhar for the Silver Jubilee. I am Dr. Ajay. I did my B.Tech from this institute in the Department of Industrial Engineering. Mere saath hain Shailendra Khare. He did B.Tech in the Department of Civil Engineering, and Surjit Singh, he did B.Tech in Civil Engineering, and Hardeep, he did B.Tech in Civil Engineering. ये जो 25 years की journey है, because 25 years long back, we did B.Tech from this place, and I has achieved the highest position. If I talk later on, I did M.Tech and Ph.D. and finally I am working as a director in one private institution, and the name of the institution is the Indraprastha Engineering College, Saibabad, Ghaziabad. Or not only I have achieved the highest position in the academics, but mere saath jo mere saathi hain, because if you are a person just a job seeker, but my friends are the job creators. So Shailendra ji batayenge ki inka jo journey hai aur inka jo inki company hai, क्या कैसे इन्होंने अचीव किया इस माइलस्टोन को, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दें। मैं 98 में पास आउट किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, और मेरा यहाँ से कैंपस सिलेक्शन भी हुआ, कुंजलॉयड कंपनी थी उस समय। उसके बाद मैं दिल्ली में जॉब किया, जॉब में मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे को टाइम नहीं देते थे कंपनी वाले अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और किसी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंपनी में जॉब ही नहीं करना। इसके पहले मैं 98 पास करने के पहले जब मैं फाइनल ईयर में था, तब यहाँ पर मेरा एक इंटरप्रेन्योरशिप का एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें बहुत अच्छा मोटिवेशन किया, उसके बाद ही डिसाइड किया था कि अपना ही काम करना है। देन आई वाज स्टार्टेड माय ओन कंपनी जेनेसिस टेक्नोबिट प्राइवेट लिमिटेड, और वो लगभग 20 ईयर्स हो गए हैं उसको कंपनी को, और वेल मेंटेन्ड है। हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, वेयर हाउसेस बनाते हैं, और कम से कम 20-25 एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो मेरा कंसर्न और अपने जो अभी करेंट में स्टूडेंट हैं उनको यही है कि आप जॉब करना चाहो वेल एंड गुड, बट कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अपना करके दिखाओ, जीवन में कुछ करना है, क्योंकि न्यू जनरेशन ऑलवेज बेटर देन ओल्ड जनरेशन, हमेशा अच्छी होती है। तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और ऐसा मत सोचो यहाँ जो पढ़ाएंगे ना उससे ही कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, बहुत है। हम लोगों ने सोचा था 25 इयर्स हो गए हैं यही सोचते सोचते कि हमको ये करना है वो करना है। अब हम लोग सोचते हैं अगले 25 इयर्स में अपने बच्चों को सेटल करना है और हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है ना। तो लाइफ में जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना फालतू का जॉब करके ना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना काम करो, आगे बढ़ो और जितना जल्दी लोगों को कुछ दे सकते हो वो दो। मेरे साथ हरदीप जी हैं। हरदीप जी का अपना एक अपना बिजनेस है और ये बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं एक वेल्डिंग इंडस्ट्री में। हरदीप जी बताएंगे इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बताएंगे। मैं हरदीप बोल रहा हूँ जी। मैं 1998 में पास आउट हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। राइट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द डिपार्टमेंट द वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस कॉलेज वॉज हाईली प्रोफेशनलिज्म एंड आइडिया हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू हैंडल द डिफरेंट क्रिटिकल इशूज, क्योंकि यही चीज़ एक इंस्टीट्यूट और खास करके टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल कॉलेज सिखाता है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एजुकेशनल कॉलेज एंड अ प्रोफेशनल कॉलेज इज द वे यू हैंडल द क्रिटिकल थिंग्स। सो ये चीज़ मैंने सीख के अपने बिजनेस में आई वेंचर्ड एंड आई मल्टीप्लाइड माई इंडस्ट्री 2.5 टाइम्स। द टाइम आई एंटर्ड इन 1998 and right now the growth trajectory has been like 2.5 to 3 times and I virtually agree with Shailendra ji jo mere colleague rahe mere saath hi unhone engineering ki it's an idea that works it's not the skills that you learn from a class rather it's the practical knowledge that you get to know after you join the profession or idea apne idea ko apni generation mein apne you know age group mein you get lot of good ideas even my son is doing in first year he's doing you know BSc in artificial intelligence right from University of Alberta in Canada but uske dimag mein jo idea hai wo exposure milta hai aur exposure kahan se milta hai ek acche institute se milta hai you are blessed that you are here in this institute which gives you a very good exposure so the exposure level aap jitna mil sake le ho jitna senior se colleague se aur you know attending different workshops attending different good activities in and around colleges kabhi miss nahi karna this is a way that will help you out in your future life mere saath surjit ji hain inka apne aap mein agar technical experts ki baat ki jaye to surjit singh ek apne aap mein ek wo aura hain jo civil engineering ki foundation se leke aur building ki structure tak jante hain to surjit ji please apna experience share kare After passing out in 1998, I joined the construction sector, and that was specifically the highway sector. And working in multinational companies, from site engineer to agent level and project in charge, I worked there and got a lot of experience. And presently, I am working as a consultant with NHAI project. And I feel that it is a very good experience to have. Working in that field and I am enjoying myself. So today the program was very good and the arrangement was very good thanks to the NITJ, thanks to the director, thanks to the coordinator, chairman of the alumni meet. Wish you all the best, my dear student. Thank you. Thanks. Thank you all. Okay. Bye-bye. देखो मेरे को फ्लैश 75% पता नहीं ये क्या है।